हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं लीब्रा कैल्क मैंने ओपन किया है और कुछ मैजिकल फॉर्मूला की बात करेंगे हम। देखिए यहाँ पर कुछ डेट लिखी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ मंथ लिखा हुआ है, जैसे कि 9 मंथ है, 6 मंथ है, 12 मंथ्स है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, मंथ कोई भी ले सकते हैं भाई, 1 से 12 के बीच में कोई भी आप ले सकते हैं। तो इज इक्वल टू का निशान लगाते हैं, पहले फॉर्मूला बता देता हूँ क्या है। ई डेट का फॉर्मूला है, ये देखिए ई डेट लगाया हमने, ब्रैकेट को कुछ इस तरीके से ओपन कर लीजिएगा। अब इस डेट को सेलेक्ट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा ये जो 5 है ये मंथ है, क्या है मंथ है, ध्यान दीजिएगा ये 5 जो है ये क्या है मंथ है, फिर ये डेट है और फिर ये ईयर है, तो ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर हमें देना है कॉमा, इसको सेलेक्ट करने के बाद आप कॉमा दे दीजिए, और कॉमा देने के बाद यहां पर देखिएगा 9 में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो 14 होता है, यानी कि हम आ जाएंगे सीधा कहां, दूसरे महीने में आ जाएंगे, क्योंकि ये पांचवा महीना है और पांचवें महीने में अगर 9 मंथ और ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 14 मंथ हो जाएगा। तो 14 मंथ यानी कि मंथ तो 12 ही होता है, 14 मंथ यानी दूसरे महीने की बात आ जाएगी। तो यहां पर अभी देखिएगा जादू, यहां पर अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और यहां ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करता हूं, तो यहां देखेंगे कि यहां पर दूसरे महीने की बात आ गई है, यहां पर देखिए 2 आ चुका है, देख सकते हैं आप। इसी तरह से अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करवाता हूं तो आप देखेंगे कि अलग अलग मंथ उसी के हिसाब से कैलकुलेट होकर आ रहा है, जैसे यहाँ पे 8वां महीना था तो 8 में 6 जोड़ेंगे तो फिर यहाँ 14 होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे फिर दूसरा महीना आ जा रहा है, और यहाँ पे 5वां महीना था तो 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 होगा, तो यहाँ पर 5वां महीना आ जाएगा, क्यों आपका कितना होगा 17 में से 5 माइनस करने तो क्या होगा 12वां महीना आएगा। तो इस तरीके से कुछ बहुत ही आसानी से आप ये कर सकते हैं। यहां पर अगर मैं चेंज करता हूं, लाइक ये देखिए इसको मैं डिलीट कर देता हूं और यहां पर -1 करता हूं, यानी कि हम बात कर रहे हैं पहले महीने की, ठीक है, यानी एक महीना हम कम करेंगे, 8/4/2015 में से एक महीना घटाएंगे तो क्या आएगा, यहां पर हो जाएगा 7/4/2015, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे तो यहां पे 7/4/2015 यानी कि ये महीने का हिसाब किताब है, ये बात ध्यान दीजिएगा आप। तो आई होप कि बात समझ में आ गई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।